अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ईद उल फितर के हवाले से नई अपडेट्स आ चुकी हैं। रोज़े 29 होंगे या 30। रोयतहाल कमेटी की जनब से इसका अहम फैसला हो चुका है। ईद उल फितर की तारीख का ऐलान हो चुका है और इसके साथ साथ रोज़े 29 होंगे या 30 इसका भी हतमी फैसला हो चुका है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो यार प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी ये क्वेश्चन दूर हो जाए कि ईद उल फितर के रोज़े 29 होंगे या 30। मैं आपको बताता चलूँ, इस साल ईद उल फितर की जो चांद की उम्र है वो पूरी हो सकती 20 अप्रैल को 20 अप्रैल को चांद नजर आ सकता है पाकिस्तान और दीगर ममालिक के अंदर। ये हमारे मिनिस्टर की जानब से अभी बताया जा रहा है। और 21 अप्रैल को ईद उल फितर मनाई जा सकती है पाकिस्तान के अंदर और सऊदी अरब के अंदर और दीगर ममालिक के अंदर। रोयतहाल कमेटी की जानब से बताया जा रहा है कि इस साल 29 रोजे होंगे और 30वें दिन जो है वो ईद उल फितर मनाई जा सकती है। इस साल ईद उल फितर जो है वो 21 अप्रैल बरोज़ जुमे को हो सकती है। ये फैसला नया आ चुका है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।